लुकेश मैं खुशी आपका स्वागत करती हूं अखबार वाणी गॉसिप में। क्या सच में शिव ठाकरे को मिल चुका है फेयर फंदा और सोंदू हो चुकी है अविक्टिव? आखिरकार सच्चाई क्या है? चलिए इसके ऊपर से पर्दा उठाते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस काफ़ी सारी खबरें जो है आप लोग कल से सुन रहे होंगे कि स्टंट हो चुकी हैं, जंगल स्टंट हो चुकी हैं, वाटर स्टंट हो चुके हैं, और जो है पहले ही स्टंट में जो है शिव ठाकरे को फेयर फंदा मिल चुका है, सोंदूस जो है वो विक्ट हो चुकी है। पहली बात ये है कि ऐसी चीज़ों के ऊपर बहुत सारे मतलब कि लोग जो है विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नाम जो है सोंदूस का, शिव ठाकरे का बहुत ज़्यादा चर्चित हो रहा है। क्यों? क्योंकि शिव ठाकरे अभी अभी बिग बॉस 16 में दिखाई दिए थे और एंटरटेनमेंट की रात में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मस्ती की और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि चर्चा में रहे, और अब जो है अगर उनको फेयर फंदा मिलता है तो सोशल मीडिया हिल जाती है। तो गाइस इसके पीछे सच्चाई क्या है? पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि रोहित शेट्टी जो है कल रात को जो है केपटाउन पहुँचे हैं। अगर वो कल रात को केपटाउन पहुँचे हैं तो कल सुबह की स्टंट कैसे हो सकती हैं? रोहित शेट्टी के बगैर तो ये स्टंट हो नहीं सकते हैं। रोहित शेट्टी कल रात को पहुंचे हैं, अभी स्क्रिप्ट वर्क कर रहे हैं, उससे पहले उनकी प्रोमो शूट होनी है, एंट्री शूट होनी है, फिर उसके आज शाम को या कल सुबह या एक दिन में जो है रोहित शेट्टी कंटेस्टेंट के साथ पहला स्टंट करने वाले हैं। पर अभी तक कोई भी रोहित शेट्टी के साथ स्टंट नहीं हुआ है। प्रोमो शूट्स वगैरह जरूर हुई हैं, रोहित शेट्टी के साथ कोई स्टंट नहीं हुआ है और किसी को फेयर फंदा नहीं मिला है और कोई भी अभी तक शो से अविक्ट नहीं हुआ है। ये जो भी खबरें आप लोग सुन रहे हैं वो सरासर फेक है। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत। नमस्कार।